अगर आप गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि गर्मियों में आपको कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। नंबर वन, मूली। क्या आप जानते हैं मूली एक बहुत फायदेमंद सब्जी है जो सर्दियों में पाई जाती है। अगर आप सर्दियों में मूली का सेवन करते हैं तो इससे जो आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। इसी के साथ पेट के लिए मूली बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत सारे फायदे देती है। मगर अगर आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं तो ये आपको फायदा देने की बजाय नुकसान देने लगती है। अगर आप गर्मियों में मूली का सेवन करते हैं तो इससे आपको ब्लड इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। साथ ही इससे आपका जो पित्त है वो भी बढ़ने लगता है। आपके फेस पे पिंपल्स, रेडनेस, ईचिंग, एलर्जी, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी के साथ ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप मूली का सेवन करते हैं। तो कोशिश करें गर्मियों में आप मूली का सेवन ना करें। नंबर टू, बैगन। बैगन एक ऐसी सब्जी है जिसका उपयोग गर्भवती को गर्भ अवस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। खास तौर पे गर्मी में बैगन का सेवन एक सामान्य मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बैगन का सेवन करने से आपको बचना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। बैगन का सेवन अगर गर्मियों में आप करते हैं तो इसकी जो तासीर है वो बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं। पेट में दर्द, गैस, आपच, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। साथ ही ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, इससे आपको स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती है। यह आपकी शरीर में गर्मी को बहुत अधिक बढ़ाता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, कमजोरी, थकान, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो गर्भ अवस्था में बैगन का सेवन करने से बचें और अपने परिवार वालों को गर्मियों में बैगन का सेवन करने से बचाएं। नंबर थ्री, पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जो सर्दियों में मिलती है और सर्दियों में हमें बहुत सारा फायदा देती है। मगर पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे अगर आप बनाने के बाद, पकाने के बाद वापस से गर्म करते हैं, ये दोबारा से गर्म करके खाते हैं, दोबारा से प्रोसेस्ड करते हैं, तो ये फायदा देने की बजाय नुकसान देती है। इसीलिए गर्मियों में अगर आप पालक का सेवन करते हैं तो ये आपको फायदा नहीं देती है, ये आपको नुकसान देती है। क्योंकि पालक एक ऐसी सब्जी है जो बहुत देर रखने पर खराब होने लगती है, इसमें कुछ बैक्टीरिया बनने लगते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। नंबर फोर, फूलगोभी। फूलगोभी भी सर्दियों में मिलने वाली सब्जी है, जिसे आप आज भी अगर मार्केट में जाकर देखें तो गर्मियों में भी आपको फूलगोभी दिखाई देगी। मगर फूलगोभी का सेवन आपको गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये गर्म तासीर की सब्जी है, जिसका उपयोग करने से आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको गैस, एसिडिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट में ऐठन होना, मरोड़ होना, पेट में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं अगर आप फूलगोभी का सेवन करते हैं तो। इसी के साथ एलर्जी, रेडनेस, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको दिख सकती हैं। नंबर फाइव, लहसुन। क्या आप जानते हैं अगर आप कोई भी खाना पका रहे हैं और उसमें लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लहसुन एक ऐसी सब्जी है या एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है। साथ ही जब आप लहसुन का सेवन करते हैं तो ये आपके पित्त को बढ़ाता है, आपका जो ब्लड है उसको खराब करने का काम करता है, किडनी में इन्फेक्शन पैदा करता है, आपको रेडनेस, आपको पिंपल्स, एलर्जी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी के साथ यूरिन में इन्फेक्शन या यूरिन में जलन होना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे सकती हैं। सही से नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं। तो कोशिश करें कि गर्मियों में अगर आप लहसुन का सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, खास तौर पे गर्भावस्था के समय पर। नंबर सिक्स, मशरूम। क्या आप जानते हैं मशरूम भी एक ऐसी सब्जी है जो सर्दियों में मिलती है, मगर अगर आप बाहर देखें तो होटल्स में या आप रेस्टोरेंट में या आप किसी भी ठेली पर पिज्जा खाएं या कोई और चीज खाएं तो इसमें आपको मशरूम मिल जाती है। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ आप ना खाएं जिसमें मशरूम शामिल हो। खास तौर पे गर्मियों के समय में मशरूम का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ये गर्मियों में खाई जाने वाली सबसे खतरनाक सब्जी है अगर आप इसका सेवन गर्मियों में करते हैं तो।
इसे खाने के बाद आपको स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पिंपल्स, एलर्जी, रेडनेस, ईचिंग, इसी के साथ पेट से जुड़ी प्रॉब्लम, आपको पेट में दर्द होना, मरोड़ उठना, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस या लूज मोशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप मशरूम का सेवन करते हैं तो। अगर आप गर्मियों में ये सारी सब्जियां खा रहे हैं तो इसका बुरा असर आप पर और आपके घर में पल रहे शिशु पर होता है। तो कोशिश करें गर्मियों में ना आप इन सब्जियों को खाएं और ना ही आप अपने घर वालों को इन सब्जियों को खाने की सलाह दें। गर्मियों के मौसम में हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। साथ ही अगर आप ये सारी सब्जियां खाते हैं तो इनमें से कुछ सब्जियां हमारे शरीर के जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको रोक देती हैं, और गर्मियों के मौसम में हमें कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो कोशिश करें कि इन सब्जियों को अवॉइड करें, अपने डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जिनसे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, एक संतुलित आहार लें, साथ ही कौन सी सब्जी खानी है कौन सी नहीं खानी इसकी सही जानकारी जरूर रखें। इसी के साथ हरी मिर्च, क्या आप जानते हैं अगर आप गर्मियों में बहुत अधिक मिर्च खाते हैं तो इससे भी आपको पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, आपका पित्त बढ़ने लगता है, स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोशिश करें अपने खाने में मिर्च की मात्रा को कम रखें, चाहे वो हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो, अपने खाने में मिर्च की मात्रा को कम रखें। यही चीज आप अपने घर वालों के लिए भी करें। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फेसबुक या यूट्यूब पे अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन आपको गर्मियों में जरूर करना चाहिए जो आपको और आपके घर में पल रहे शिशु को फायदा पहुंचाए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।